राजकीय विद्यालय रसोईया कर्मचारी संघ के प्रदेश संयोजक हैं। आज पूरे बिहार का बात करते हैं, 1650 रुपया मिलता है। और रही सवाल ये 1650 रुपये में इस महंगाई के दौर में क्या होगा। सरकार एक तरफ करती है कि हम 20 लाख का रोजगार देंगे, आज जो 1650 पर काम करता है वह अनुच्छेद 33 के अनुसार सरकार को जेल होना चाहिए। पहला बिंदु, जो गैर कानूनी काम होता है उस पर सरकार लेकिन ध्यान नहीं देती है। उसके बाद इस जो 1650 रुपया जो सरकार हमको दे रही है रसोईया को, खाना का गुणवत्ता मात्र 3 घंटा रहता है, लेकिन सरकार जो 9 बजे खाना बनाएगा वो 1 बजे खिलाएगा, वो कैसे गुणवत्ता उसका रहेगा? सरकार कहती है कि 9 बजे खाना बना दो। 9 बजे नहीं, वह एनजीओ को जो दे देगा तो वह एक जगह कम से कम 2000 बच्चा का खाना बनाएगा। तो जब खाना बनने का गुणवत्ता जो है मात्र 3 घंटा रहता है, लेकिन 3 घंटा के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, तो वो बच्चा को सरकार लेकिन बुझे गैर कानूनी काम करते हुए बच्चा लोग के एमडीएम को जो है एनजीओ को देने जा रहा है। तो रसोईया को मिल रहा है सर ये 200 रुपया किलो जो हम लोग तेल खा रहे हैं, 30 रुपया 40 रुपये किलो टमाटर खा रहे हैं, 45 रुपया चीनी खा रहे हैं, इसमें नहीं गुजारा हो नहीं पा रहा है। कैसे गुजारा है, हम लोग अपना बच्चा का शुद्ध वस्त्र नहीं किन पाते हैं, बच्चा का फीस नहीं दे पाते हैं, प्लस जो है बहुत ऐसा समस्या है जो हम लोग अपने बच्चा को नहीं दे पाते हैं। आवाज उठाने वाला आप लोगों का? आवाज उठाने वाला हम लोग कई बार मंत्री से मिले, तेजस्वी जी से मिले हैं। तेजस्वी जी का कहना नाम है कि हमारा सरकार जो है लालटेन का है और राज्य केंद्र में जो है एथी का सरकार है। आप लोग कोर्ट से आइए, आपको एथी मिलेगा, मान्यता मिलेगा, अन्यथा हम 100 से 200 रुपये बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं।